हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम पिंक सिटी जयपुर के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बात करेंगे। लेकिन आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, और नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर देना। तो चलिए काउंट डाउन शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है चांद बावड़ी। चांद बावड़ी जयपुर से कुछ ही दूरी पर स्थित आभानेरी गाँव में 1000 साल पहले बनी हुई एक बावड़ी है। यह दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत बावड़ियों में से एक है। यहाँ पहली भूल भुलैया जैसी बॉलीवुड फिल्में भी शूट हो चुकी है। इस बावड़ी में 3500 से ज्यादा सीढ़ियाँ हैं, जो कुएं में 20 मीटर तक उतरती है। लगभग 64 फीट गहरी और 13 मंजिलों वाली भारत की सबसे बड़ी और गहरी बावड़ी है। यहाँ आपको एंट्री के लिए ₹25 पर पर्सन देने होंगे। यहाँ आप सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक आ सकते हैं। नंबर 9 पे है बिरला मंदिर। जयपुर में मोती डूंगरी पहाड़ी पर स्थित यह संगमरमर से निर्मित एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, जिसका निर्माण 1988 में किया गया था। यहाँ आपको जन्माष्टमी के दौरान आना चाहिए। उस वक्त यहाँ मंदिर में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती रहती है। यह मंदिर 2 शिफ्ट में ओपन होता है, एक सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक, दूसरा शाम को 4 बजे से रात को 8 बजे तक। नंबर 8 पे है जल महल। जल महल जयपुर के मानसरोवर लेक में ठीक बीचों बीच स्थित है, इसलिए इसे आईबाल भी कहा जाता है। इस वाटर पैलेस को 1699 में बनवाया गया था। इस महल को 300 वर्ष से भी अधिक हो चुके हैं, लेकिन यह आज भी पानी के बीचों बीच पहले की तरह मजबूती से खड़ा हुआ है। यह 5 मंजिला महल है, जिसकी सिर्फ एक मंजिल ही पानी के ऊपर है और बाकी 4 पानी के अंदर। आप यहां सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक आ सकते हैं। अब नंबर 7 पे है नाहरगढ़ फोर्ट। जयपुर जंक्शन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर यह किला स्थित है। इस किले का निर्माण 1734 में जयपुर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। यहाँ आपको ₹50 की एंट्री टिकट लेनी होगी, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको यह टिकट सिर्फ ₹5 में पड़ेगी। यहाँ का आकर्षण शीश महल है, जिसे वैक्स म्यूजियम भी कहा जाता है। यहाँ फोटोग्राफी करना मना है, इसलिए इसे देखने आपको खुद ही जाना होगा। यह किला सुबह 10 बजे से शाम को 5:30 बजे तक खुला रहता है। नंबर 6 पे है सेंट्रल म्यूजियम, इसे अल्बर्ट हॉल म्यूजियम भी कहा जाता है। यह जयपुर के रामनिवास गार्डन में स्थित 1876 में बना हुआ राजस्थान का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संग्रहालय है। यहाँ आपको ₹40 की टिकट लेनी होगी, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको यह टिकट सिर्फ ₹20 में ही पड़ जाएगी। इस म्यूजियम में आपको गहने, पेंटिंग, कालीन, हाथीदांत, पत्थर, कलाकृतियाँ और मूर्तियाँ और भी बहुत सारी एंटिक चीज़ें देखने को मिलेगी। और यहाँ मिश्र से लाई हुई एक मम्मी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यह म्यूजियम भी 2 शिफ्ट में ओपन होता है, एक सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक, और दूसरा शाम को 7 बजे से रात को 10 बजे तक। नंबर 5 पे है जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ फोर्ट जयपुर के चिलकटीला पहाड़ी पर स्थित है। इस किले को 1726 में आमेर किले की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी तोप जयवाना एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। यहाँ आपको अंदर जाने के लिए ₹100 का टिकट लेना होगा, और अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आईडी साथ ले जाते हो तो आपको ₹50 का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ आप सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक आ सकते हैं। नंबर 4 पे है जंतर मंतर। 19 यंत्रों वाली ऑब्जर्वेटरी, जिसका नाम है जंतर मंतर। इसका निर्माण शुरू हुआ था 1720 में, और यह 1738 में बनकर तैयार हुई। यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। यह सिंगल ऐसी ऑब्जर्वेटरी है जहां आप सन के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकली कैलकुलेशन कर सकते हैं, और आज भी वर्क कर रही है। यहां सबसे खास यंत्र विराट सम्राट यंत्र है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सन क्लॉक है। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है, और यहां के यंत्र आज भी आधुनिक मशीनों को मात देते हैं। यहां आप सुबह 9 बजे से शाम को 4:30 बजे तक आ सकते हैं। नंबर 3 पे है सिटी पैलेस। जयपुर का शानदार सिटी पैलेस शहर के पुराने हिस्से में स्थित है। 1727 में इसको बनाने का काम शुरू हुआ था। जयपुर शहर के इतिहास के बारे में जानने के लिए सिटी पैलेस एक शानदार जगह है। इसमें हॉल, एक लाइब्रेरी, एक आर्ट गैलरी आदि शामिल है। यहाँ आपको दुनिया का सबसे बड़ा चांदी का जार देखने को मिलेगा, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। पैलेस के एक हिस्से में म्यूजियम और दूसरे में शाही परिवार का निवास स्थान है। यहाँ आपको एंट्री के लिए ₹200 खर्च करने होंगे, और स्टूडेंट के लिए ₹100। यहाँ आप सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक आ सकते हैं। नंबर 2 पे है आमेर का किला। इसे अंबर का किला भी कहते हैं। जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर बने इस किले का निर्माण 1562 में शुरू और 16वीं शताब्दी के अंत में पूरा हुआ था। यह किला यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है।
यह किला लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर पत्थर का यूज करके बनाया गया है। यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी दीवार है जो कि लगभग 12 किलोमीटर लंबी है। इस किले को दो हिस्से में बांटा गया है, पहला दीवान आम और दूसरा दीवान खास। और यहाँ का मुख्य आकर्षण मानसिंह पैलेस और शीश महल है। शीश महल को बनाने में 900 साल लगे और 900 कलाकारों ने इसे मिलकर बनाया है। यह शीश महल पूरा कांच से बना हुआ है। यहाँ एक कैंडल जलती थी तो कांच के रिफ्लेक्शन से हजारों कैंडल दिखाई देती थी। यहाँ जोधा अकबर मूवी की शूटिंग भी हो चुकी है। आमेर फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट के बीच एक 2 किलोमीटर लंबी सुरंग भी है। यहाँ आपको 100 रुपये का एंट्री टिकट लेना होगा। यह किला भी 2 किश्तों में ओपन होता है, एक सुबह 8 बजे से शाम को 5:30 बजे तक, फिर 6:30 बजे से 9:15 तक। आमेर का किला जयपुर में सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। अब नंबर 1 पे है हवा महल। जयपुर के बीचों बीच बना यह 5 मंजिलों वाला हवा महल जो कि अपनी सुंदरता और अनोखी डिजाइन से सबको अपनी ओर आकर्षित करता है और दुनिया भर में मशहूर भी है। इस महल में 953 छोटी और बड़ी खिड़कियां हैं जिनमें ठंडी और ताजी हवाएं आती रहती है। इन खिड़कियों को झरोके भी कहा जाता है। हवा महल को बनाने का मुख्य कारण रानियां इन खिड़कियों में बैठकर विशेष मौकों पर निकलने वाले जुलूस और शहर आदि को देख सकती थी। यह महल उनके लिए एक नकाब या पर्दे का काम करता था। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जिन बिल्डिंग या महल की नींव कमजोर होती है वह ज्यादा समय टिक नहीं सकती, लेकिन इस बात को चैलेंज करता है हवा महल जो कि बिना नींव का बना हुआ है और जो अपने आप में ही एक अजूबा है। यह दुनिया की सबसे बड़ी बिना नींव की इमारत मानी जाती है। यहाँ आपको 50 रुपये की एंट्री टिकट लेनी होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं और अपना आईडी कार्ड दिखाने पर आपको यह टिकट 5 रुपये में मिल जाएगी। तो पिंक सिटी जयपुर पे बना हुआ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना और नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।